तो ऐसा है भाई साहब, सिक्योरिटी आज के टाइम पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे पता तो चले अपने पीछे हो क्या रहा है। तो इसलिए आज अपने पास आया है वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा। और भाई ये कैमरा ना सिर्फ 1000 रुपये का है, और 1000 रुपये के अंदर यार दुनिया भर के फीचर्स के अंदर अपने को मिलते हैं। तो सारी बातें बताऊँगा यार आपको। आप लाइक करो वीडियो को जब तक मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, और लाइक के पास वो सब्सक्राइब वाला बटन भी है तो सब्सक्राइब भी कर देना। बॉक्स में से निकल जाएगा सबसे पहले अपना एक वाइट कलर का कैमरा, और ये कैमरा ना भाई लाजवाब है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। एक अपना एडॉप्टर निकलेगा, एक डाटा केबल निकलेगी, ये डाटा केबल नहीं है, ये चार्जिंग केबल है। और उसके अलावा वॉल माउंट के कुछ स्टैंड मिल जाएंगे अपने को, अगर सीलिंग के अंदर लगाना होना भाई तो ये स्टैंड के थ्रू अपन लगा सकते हैं। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूजर मैनुअल। जनरली ना मैं यूजर मैनुअल को पढ़ता भी नहीं हूं भाई, लेकिन भाई इस यूजर मैनुअल को ना पढ़नी पड़ी, तो थोड़ा इज्जत देना पड़ेगा इसको। और अगर आप इसको बाय करोगे ना तो भाई यूजर मैनुअल को एक बार पढ़ लेना। लेट्स टॉक अबाउट दिस कैमरा। ये अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है यार। अगर आपके पास इंटरनेट है तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप इसकी फुटेज को देख सकते हो, और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है ना तो एक लोकल एरिया में आप ऑफलाइन भी इसको यूज कर सकते हो। इनफैक्ट इसके अंदर तो यार एसडी कार्ड स्लॉट भी लग जाता है, मैक्सिमम 64 GB का। तो आप यहाँ पे ना 20 दिन की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो 20 दिन की यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होगी ना वो इसके मेमोरी कार्ड में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। और भाई पर्सनली मैं बताऊँ ना आपको, तो मैं तो सरप्राइज हो गया था कि ये कैमरा 1000 रुपए का है और इसके अंदर अपने को इतने सारे फीचर मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंदर अपने को 2-way कम्युनिकेशन भी मिल रहा है, तो रिकॉर्डिंग होने के साथ साथ उसकी ऑडियो भी आपको मिलती रहेगी अपने मोबाइल फोन के अंदर, और आप इसके थ्रू यहाँ पे अपनी वॉइस को दे भी सकते हो। सब्सक्राइब करो यार। तो इसके अंदर 2-way कम्युनिकेशन है, स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों इसके अंदर है, तो आपकी आवाज़ इस कैमरे के अंदर से निकलेगी भी सही, और सामने वाला क्या कर रहा है उसकी आवाज़ आपको पता भी चल जाएगी। नाइट विजन भी इसके अंदर है, जिसकी क्वालिटी डिसेंट है यार। और ये जो अपना कैमरा है ना, ये 360 रोटेट हो जाता है लेफ्ट राइट और अप डाउन में। वो एप्लीकेशन वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको कंट्रोल करना है। और हाँ भाई, बिल्ड क्वालिटी इसकी सॉलिड है, बना हुआ तो ये प्लास्टिक का है लेकिन सॉलिड प्लास्टिक है। इसको आप ऑफिस में लगा सकते हो, शॉप में, होम के अंदर, कहीं पर भी लगा सकते हो, क्योंकि ये एक इंडोर कैमरा है, तो घर के अंदर आराम से आप इसको यूज कर सकते हो एज ए सिक्योरिटी पर्पज से भी। लेकिन यार ये ना परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर भी कुछ ऐसी कमी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो वो क्या कमी है वो वीडियो में मैं आपको आगे समझाई दूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। ये जो कैमरा है ना, इसके बैक साइड में अपने को पोर्ट मिलेगा ऑब्वियसली, और चार्जिंग का है, और एक रीसेट का बटन मिल जाएगा। अगर ये काम नहीं करता ना प्रॉपर, तो आप रीसेट करके वापस से काम में ले सकते हो उसको। नीचे की तरफ ना अपने को QR कोड मिल जाएगा, और यूजर ID और पासवर्ड तो खैर दे ही नहीं रखे इसमें, तो ये ना कनेक्टिविटी प्रोसेस में काम आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेफ्ट साइड में इसके अपन मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और राइट साइड में इसका माइक्रोफोन दे रखा है, और जो इसका स्पीकर है ना वो कैमरे के जस्ट नीचे वाला पार्ट में है। और भाई साहब इसके अंदर ना अपने को मोशन ट्रैकिंग भी मिलती है इतनी कम प्राइस में इस कैमरे के अंदर। अब यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग की बात मैं कर ही रहा हूँ, तो इसकी कनेक्टिविटी भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट बिफोर टॉकिंग, इसके अंदर ना अपने को 1.3 MB का HD कैमरा मिलता है, तो कैमरे की क्वालिटी डिसेंट से थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी लगी है मुझे यार, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। अब मोबाइल से इसको कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो कैमरा ना, इसको सिंपली अपन प्लग में लगा देंगे यार, और इसको कनेक्ट करना ना बहुत आसान है। जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ सेम स्टेप फॉलो कर लेना। अपनी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो गई है, ओपन कर लेना है। अब देखो भाई, इस टाइप का डैशबोर्ड आपको मिलेगा, लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर कर लेना अगर आप इसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करोगे तो। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ट्राई विदाउट एन अकाउंट, तो अपन इस पर करेंगे क्योंकि अपन सिर्फ इसको ट्राई कर रहे हैं यार। तो सबसे पहले कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस आपको मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर, और इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ना अपने को एक वीडियो दे रखी है, तो इस वीडियो के अंदर पूरा बता रखा है कि इस कैमरे को मोबाइल के अंदर कनेक्ट कैसे करना है। ये ऑनलाइन भी चलता है और ऑफलाइन भी चलता है। आपको अगर इसको ऑनलाइन चलाना है ना, तो सेम इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए जिससे आपका मोबाइल और ये कनेक्ट होगा। मेरे पास यहाँ पे ब्रॉडबैंड है, तो उसी से ये भी कनेक्ट है और ये भी कनेक्ट है। लेकिन अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है घर के अंदर, ब्रॉडबैंड नहीं है, राउटर नहीं है, तो किसी भी मोबाइल के हॉटस्पॉट से इसका वाईफाई कनेक्ट कर लेना, और इसको भी उसी हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेना। तो आप जैसे ही एट डिवाइस में जाओगे तो यहाँ पे QR कोड स्कैन होगा। अब जो QR कोड है ना वो इसके नीचे है भाई, तो अपन QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। ये अपना स्कैन हो गया। जब आप इसको पहली बार यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना स्कैन करके, तो ये तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। अपन यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे चल जाते हैं क्योंकि अपने को इंटरनेट के थ्रू इसको यूज़ करना है, तो अपन फर्स्ट वाले पे चल जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये चार ऑप्शन है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बहुत ही सिंपल मेथड है। पहला मेथड में ये है कि इसका QR कोड स्कैन होगा और ये लोकल नेटवर्क में चलेगा, मतलब इसके अंदर हॉटस्पॉट भी है, तो इसका हॉटस्पॉट आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा, और जहाँ तक इसका हॉटस्पॉट कैच करेगा वहाँ तक आपके मोबाइल में इसका लाइव प्रीव्यू दिखेगा। लेकिन आप कहीं ओल्ड लेके इसको जा नहीं सकते क्योंकि ये लोकल नेटवर्क पे चल रहा है। AP हॉटस्पॉट कनेक्शन भी वही है, इसका हॉटस्पॉट के थ्रू आप इसको चला सकते हैं। अब ये वाला जो ऑप्शन है ना भाई, वाईफाई स्मार्ट लिंक कनेक्शन, ये काम का है। इसके अंदर क्या होता है, आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, इसके अंदर तो अपन ने राउटर का इंटरनेट कनेक्ट कर ही रखा है,
तो इसकी फुटेज आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके देख सकते हो। तो अपन इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे होगा ये भाई कि जिस इंटरनेट से आप इसको और मोबाइल को कनेक्ट करना चाहते हो ना, उसका नाम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, उसका पासवर्ड डायरेक्टली आपको एंटर कर देना है यहाँ पे, जो आपके वाईफाई का पासवर्ड है। मैं एंटर कर देता हूँ फटाफट और नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये कैमरा यहाँ पे कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया है इंटरनेट के थ्रू। तो अपना जो डिवाइस है उसकी आईडी यहाँ पे शो होगी है और इसको अपन डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं 82 डिवाइस में जाके। तो अपना ये जो कैमरा है ना, इसके अंदर कनेक्ट हो गया है। अब अपना जो कैमरा है ना, उसकी सारी फुटेज आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है और ये लाइव फुटेज है भाई। मैं इसको ना इस तरीके से मूव भी कर सकता हूँ, ये आप देखो। तो एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस बहुत सिंपल है यार, और कैमरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है यार। मतलब आप देखो, कैमरा मुझे ना पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। अब इसके अंदर ना तीन चार अपने को ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला तो ये है कि इसके अंदर ना अपने को स्पीकर दे रखा है, तो सामने क्या हो रहा है अगर वो सुनना है तो इसके स्पीकर को डायरेक्टली ऑन कर देना। अब देखो, हेलो हेलो। तो अभी मैं पास में उसी हो रहा था। यहाँ पे SD और HD का ऑप्शन है। इंटरनेट अगर आपके पास स्लो है तो SD पे कर लेना, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में जाके अपन देख सकते हैं इसको। उसके अलावा तो कुछ मेजर ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखे। ये इसका कंट्रोलर है ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट का, तो इससे आप इसको बड़ा आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ये वाला बटन है, फुटेज को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड यहाँ से हो जाएगी, स्पीकर अगर आपको कुछ बोलना है ना इसके थ्रू तो उसकी भी आवाज़ यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसको अलाउ कर देना है। हेलो हेलो, 1 2 3 चेक। और मोर के अंदर जाके ना एक ऑप्शन भाई मुझे कमाल का लगा है, मोशन ट्रैकिंग। ये काफ़ी ना कमाल का फीचर है। इसके अंदर अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, मान के चलो एक बंदा है, उसको अपन ने यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग के अंदर ले लिया है, तो वो बंदा जैसे मूव करेगा ना, कैमरा भी इसके साथ साथ मूव करता रहेगा तो उसको ट्रैक करेगा, तो इसका नाम है मोशन ट्रैकिंग। भाई ये वाला फीचर ना बड़े बड़े कैमरे के अंदर आता है, लेकिन इस कैमरे के अंदर इतना बड़ा फीचर भी अपने को मिल रहा है। तो मोशन ट्रैकिंग इसका बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब बात रही इसके लाइव प्रीव्यू की, तो वो 3 से 4 सेकंड थोड़ा डिले चलता है, बट ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ओवरऑल यार काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी और काम भी अच्छे तरीके से करता है। तो भाई मैं तो आपको एक तरफा रिकमेंड करूंगा कि 1000 रुपये में इतना अच्छा अपने को CCTV कैमरा मिल रहा है, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के साथ, तो इसको तो आप 100% बाय कर सकते हो। और जहां तक बात रही कंक्लूजन की, तो इसके अंदर मुझे एक छोटी सी कमी लगी है यार, कि अपन जब भी लाइव प्रीव्यू देखते हैं ना तो 3 से 4 सेकंड का अपने को डिले मिलता है। तो जो भी इवेंट एक्चुअल में हो रहे होंगे ना, 3 से 4 सेकंड बाद आपको अपने मोबाइल के अंदर मिलेंगे। बट यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1000 रुपये में अपने को दूसरे फीचर भी तो इसके अंदर मिल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ना अपन इग्नोर कर सकते हैं। बाकी तो ये कैमरा यार बेस्ट है। अब बात रही इसको कहाँ से बाय करना है, तो ये हमें भेजा है 101bazaar.com ने, जिसके ऊपर इसकी प्राइस है सिर्फ 1000 रुपये है। इनफैक्ट इनकी वेबसाइट पर आपको काफी सारे प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी में मिल जाएंगे। तो एक तरीके से इस वेबसाइट पर जितने भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ना, वो सारे यहाँ पे चीपेस्ट रेंज में अवेलेबल है, तो आपको वैल्यू फॉर प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बेस्ट बाय लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको बाय करना है तो 101bazaar पे जाके आप कर सकते हो यार आसानी से।